good afternoon. Just like the last class, you will see on the board, what you will see? Last class there was all these nouns and all these adjectives, but there were no verbs at all. Now what I have done, I have done noun, verb and adjective. Noun, no verb, but adjective. Noun, verb and adjective. Noun, no verb and adjective. Then noun, verb and adjective. Then noun, no verb and adjective. Noun, verb and adjective. Right? That does mean that this is a formula where this is 1, 3, 5 या noun, verb and adjective. ये छोटे को बड़ा किया, enlarge किया. This is 1, 2, 3, 4. चौथा नंबर में form, F-O-R-M-S form, noun, verb, adjective या 1, 3, 5 दोनों बोलिए. ये देखिए noun में 1 नंबर, verb में 3 नंबर, adjective में 5 नंबर. ये 1, 3, 5 कैसे हुआ? 1 नंबर में noun है, 2 नंबर में pronoun है, 3rd नंबर में verb है, 4th में adverb है, 5th में adjective है. इसीलिए 1, 3, 5 का फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा. इसको करेंगे तो 20 साल आपका मेहनत बच जाएगा. ठीक है, यहाँ देखिए कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब है सारांश. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस फाइल, आर्गुमेंट, बुक, वट एवर. कंक्लूड, समाप्ति करो, फिनिश इट अप. और कंक्लूसिव यानी कि पूरा जो टोटल चीज का क्या निकलता है. कंक्लूसिव आइडिया, कंक्लूसिव नॉलेज क्या होता है. सेकेंड में दे जेनरोसिटी. जेनरोसिटी मतलब होता है कि दयालुता, आपके दिल में रहम है. और जेनरस, दयालु लड़का, दयालुता, दयालु, दयालुता, दयालु, दयालुता. फिर होते हैं एडेप्शन. एडेप्शन मतलब होता है क्या, किसी भी माहौल में, परिस्थिति में, जगह में आप अपने आप को ढाल लेते हैं. ADAPTATION, एडेप्टेशन. और ये एडेप्ट, ADAPT, ये ADOPT, कंफ्यूज मत हो जाइएगा. ADAPT, ADOPT, एडेप्ट, एडॉप्ट, राइट. तो एडेप्ट में जा रहे हैं. और एडेप्टेबल यानी कि एडेप्ट करना मतलब माहौल से सेट करना. और एडेप्टेबल में सिचुएशन ऐसा है, हालात ऐसा है कि आप चाहे तो कर सकते हैं. ठीक है, बेटरमेंट, नो द बेटर. बेटर का मतलब जानते हैं, इज बेटर देन हिम, दिस क्लॉथ इज बेटर, दिस शर्ट इज बेटर. और बेटरमेंट होता है क्या, आप कहते हैं दिस इज ड्यू टू द बेटरमेंट, वी आर नॉट सेफ. कुछ भी कारण की अच्छाई, ये अच्छा या अच्छाई, इसको आपका सेंटेंस बनाइए, वेरी इजी हो जाएगा. एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब गोद लेना. और ये होता है एडॉप्ट, करना. ये गोद लेना, ये करना. अरे एडॉप्टेड, इज एडॉप्टेड सन, ये गोद लिया हुआ बच्चा है. ठीक है, फिर काइंडनेस यानी कि दयालुता. और यहाँ कुछ भी नहीं है वर्ड में, अ काइंड, दयालु आदमी है. ही इज नोन फॉर हिज काइंडनेस, ही इज अ काइंड मैन. फिर आते हैं प्ले, प्ले और प्लेफुल. तो आप बोलिएगा कि प्ले इधर भी है, प्ले इधर भी है, कैसे हो सकता है. क्रिकेट इज अ गुड प्ले, क्रिकेट एक अच्छी खेल है. बैडमिंटन एक अच्छी खेल है. स्विमिंग या चाहे फुटबॉल, चाहे क्रिकेट, चाहे हॉकी, एक अच्छी खेल है. देखिए वो खेल रहा है, वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, डूइंग वर्ड हो गया. ये खेल है, सिर्फ खेल है. और ये खेल रहा है. और ये प्लेफुल है, बच्चे लोग प्लेफुल है, पर आपस में भी जुड़ के खेल रहा है, तो दे आर वेरी प्लेफुल. अगर आप ब्यूटीफुल कहते हैं, उसी तरह होता है, दे आर वेरी प्लेफुल. तो आपके सामने सारे चीज दिए हुए हैं, इस फॉर्मूला को आप ले लें, इंग्लिश को टिकिया बना के टैबलेट लेके खा जाए. 20 साल का टाइम, 20 साल का कंफ्यूजन, 20 साल का मेहनत, 20 साल का पैसा, 20 साल का झिझिक झिझिक, सब खत्म. और इस चीज को सीखे. ये एफ जो है, ये एफ यहाँ छोटा में है, इसी चीज को मैंने बड़ा करके यहाँ पर किया. तो आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि सब, जैसे कि आप इस पर डालिएगा ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी होगा नाउन, ऑनेस्ट हो जाएगा एडजेक्टिव, वो ईमानदार आती है, ईमानदारी है, उसमें कोई वर्ब में क्रॉस होगा, इस तरह का क्रॉस हो जाएगा. तो इसको आप कर लेना तो बस मजा ही मजा. और उसके बाद कोई दिक्कत हो आप मुझे इस नंबर पर डायल करें, राइट, 706-1258-276 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप इसमें दुनिया के किसी कोर में हो, कोई भी दिक्कत हो, इसमें लिखे, हम आपको हेल्प करेंगे. दैट इज माई प्रॉमिस, राइट. थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन.